अच्छा ओहो सच्ची बात है। फिर क्या हुआ था? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप आप ठीक होंगे, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके बता दिया करें कि आप कैसे हैं जी। गाइस, तो आज मैंने बनाए थे मटन ब्रोस्ट जो जी। तो सबसे पहले इसको मैंने कुकर में वेट दिया था ओनली 15 मिनट्स। तो उसके बाद उस जब इसको उबाला था, मतलब वेट दिया था, उस टाइम भी इस पर सारे मसाला जत लगा दिए थे। जब ये फिर ढक्कन ओपन हो गया ना, फिर उसके बाद ठंडे हो गया ना, हाँ जी हो गया। तो फिर उसके बाद एक एग लिया एक बाउल में, उसमें नमक और काली मिर्च डाल के इसको फ्राई किया था। अब देखिए इतने मज़े के बने हैं ना, बस क्या ही बात थी जी। तो लंच के बाद, मतलब लंच के टाइम ही मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था, क्योंकि वो उसने कहा था लंच हमारे साथ करना, लेकिन मदनी साहब घर पे थे तो इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा है कि घर से खाना खा के जाते हैं, इधर अरसर खान की मेरे साथ शरारतें हो रही हैं, तो इसलिए मुझे हंसी आ गई। तो बार बार मैं रिमूव नहीं कर सकती ये वॉइस, थक जाती हूँ इसकी एडिटिंग पे। तो उसके बाद हम अपने फ्रेंड के घर गए थे, बस गए थे, फिर वापस भी आ गया, और वापस आ गया हम गए थे ताजमहल होटल, ठीक है ना। वहाँ पे अरसल ने एक लेना था, क्या लेना था मामा? लेज़र लाइट, करंट वाली, वो करंट मारती है। तो उसने वो लेनी थी, लेकिन जब हम गए तो नहीं थी। फिर इसका गुस्सा चेक कर सकते हैं आप अरसल का। तो इसने कहा मैं इसलिए आया था वो लेज़र लाइट लेनी थी, वो नहीं थी। अब इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर ला देंगे। जी लेज़र लाइट नहीं मिले तो क्या हुआ जनाब? ने पैसा तो माँ बाप का वेस्ट करना ही करना है। तो इसने एक बॉल ली थी जो कि वहाँ पे खेलता भी रहा था अपने पापा के साथ, और इसने लड्डू ली थी जो ये तो मुझे भी पसंद है, इसलिए अगर लेनी होती तो ज़रूर ले लेते हैं हम। घर पे भी पड़ी हुई थी लेकिन वह बहुत बड़ी है, तो सब मिल के जब बैठते खेलते हैं तो सही लगता है। लेकिन वहाँ पे हमने छोटी सी ली थी, और खाना भी मंगवाया था जो कि अरसल की पसंद के थे, फ्राइड राइस थे जो कि हल्के फुल्के थे, ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं था। और हमने मटन खा के ना बस बोर हो गए थे, इसलिए हमने होटलिंग भी की, आउटिंग भी की, काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा इंजॉय किया था। और मेरे भाई जान, बड़े भाई और बड़ी भाभी मेरी हज करके वापस आए, तो भी माशाल्लाह से काफ़ी वहाँ पे इंजॉयमेंट हो गई थी। अरसल खान की इस दफ़ा की छुट्टियाँ बहुत ही अच्छे से गुजरी हैं। और ये कल वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाना है कि अरसल खान जब मुल्तान गया था अपनी आंटी के घर, तो वो भी दिखाएंगे। इस दफ़ा अरसल कह रहा था मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया मैंने। चलो ठीक है, बस एक दिन मुल्तान गया था, लेकिन इधर मेरी हालत देखने वाली नहीं थी, मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रही थी, मेरे बगैर गया था ना अपनी आंटी के साथ। तो बस वैसे तो ठीक है, लेकिन बस माँ होने के नाते ही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। मैंने दूसरे दिन कहा बस आप अरसल को भेजें जो भी हो। तो शुक्र है वो खैरियत से आ गया, लेकिन इसने भी और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, अनुशी लोगों ने, तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। ये देखिए अब यहाँ पे अरसल कहता है मैं घर नहीं जाता, यहाँ पे अगर रूम मिल जाता तो हम रेंट पे रह लेते। और आप यकीन करें मदनी साहब का भी दिल करने लग गया, इतना प्यारा माहौल देख के ना मज़ा आ रहा था, मौसम भी शाम टाइम अच्छा हो गया था, और बच्चे जो इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, इनकी चीखें थी खुशी के मारे, पता नहीं कोई इस दफ़ा अनोखे गए थे क्या हम, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, इसलिए बस बहुत इंजॉय किया। अरसल खान बहुत हैप्पी हो गया, अब जा रहे हैं हम अपने घर। और ये मुझे आइडिया नहीं था घर जाके मुझे कुकिंग करनी पड़ेगी, रात का काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब कि ईशा से पहले हम घर पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी ये कुकिंग की मैंने।
क्योंकि मदनी साहब के फ्रेंड्स ने आना था, उन्होंने अचानक हमें बताया है कि हम आ रहे हैं आपके घर। तो फिर मैंने पुलाव बनाए थे, छोले पुलाव बनाए थे, वेजिटेबल्स भी हैं, सब अच्छा है, बस आप देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अचानक में मुझे बस यही आइडिया आया था, तो मैंने बस पुलाव बना लिए, जो कि उन्होंने बहुत पसंद किया, और मदनी साहब को भी, मुझे, अरशद खान को, हम सब, हालांकि वहाँ से खाना खा के आए थे, फिर भी हमने अगर चखे हैं, बल्कि चखने का गुनाह पड़ गया कि हमने, हमें खाना ही पड़ा, हमें बहुत अच्छे लगे, उन लोगों को भी अच्छे लगे। तो आप ये रेसिपी चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हौसला अफज़ाई हो जाए इंसान की, तो बंदा नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार हो जाए। थैंक यू। और उन गेस्ट को साथ में कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम भी दी थी, जो कि मैं वीडियो नहीं बना सकी। अब हर चीज़ की तो बंदा नहीं बना सकता ना, फिर बाद में कहते हैं आपने ये चीज़ नहीं दिखाई, वो चीज़ नहीं दिखाई, तो ये होता रहता है, कोई चीज़ मिस भी हो जाती है। अब हर वक्त भी मेरी आदत नहीं थी मोबाइल उठाने की, मोबाइल यूज़ करने की, तो फिर बस समझ जाएँ जितनी बन जाती है ये काफ़ी है, शुक्र पढ़ लिया करें। ठीक है जी, ये मैंने बॉयल करके रखे होते हैं छोले, क्योंकि बकरा ईद पे मैंने लाजमी कोई ना कोई छोले का सालन या चना चाट वगैरह बना लेती हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि मटन से बंदा बोर हो जाता है, इसलिए बस। तो फिर इस तरह से मैंने सारा मटेरियल रेडी कर लिया, काफ़ी टेस्टी थे, काफ़ी मज़े के थे। लास्ट में इसमें अचार भी ऐड करूँगी मैं, तो ये पुलाव ज़बरदस्त पुलाव है। आपको तो मतलब जो बनाने वाले हैं उनको आइडिया हो रहा होगा मैं क्या चीज़ ऐड कर रही हूँ, तो अब क्या ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही यमी है। बस तो आप पानी के उबाल का इंतज़ार रहे हमें, फिर हमने इसमें डाल देने हैं चावल। ये देखें, तो फिर बस ये चावल अच्छी तरह से पका लेने हैं। इसको 15 मिनट के लिए दम पे भी रखना है। इसके ऊपर मैंने कलर भी डाला था, जो कि बिरयानी में ऐड करते हैं, तो इससे पुलाव बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और वैसे भी जो चीज़ देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, फिर ही खाने को दिल करता है, वरना अगर देखने में भी अच्छी नहीं है तो खाने में फिर कैसे बंदा खा सकता है, मैं, मुझे तो नहीं लगता। तो इसलिए मेरी डेकोरेशन भी बहुत खूबसूरत होती है, मेरे खाने की लुक भी इतनी प्यारी होती है ना, बस बंदा कहता है इसकी वीडियो ही बनाते रहें। और बाकी टेस्ट है मेरे हाथ में, ये तो मानने की बात है। आप जब ट्राई करेंगे मेरी रेसिपी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितनी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ। जी गाइस, तो 15 मिनट दम के बाद फिर की सूरत हाल से मुलाहिज़ा फरमाएं, इतनी अच्छी खुशबू और धुआंदार कोई पुलाव बना है मज़े का। आहा, क्या बात है, मज़े के पुलाव के साथ आज की वीडियो को आपने कर देना है लाइक, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। ये सब बाकी आपके लिए। और साथ ही मेरी छोटी भाभी ने भेजे थे काठेवारी छोले, जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। ये भी कल इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी शेयर कर दूंगी, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। वैसे ये विंटर की रेसिपी है, तो फिर भी, लेकिन ईद के मौके पर भी अच्छी लगती है। अच्छा, तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।